हेलो एवरीबॉडी, अब एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है लोगों में एज वेल एज इन द मीडिया अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ अबडक्शन एंड किडनैपिंग। तो आज हम कॉन्सेप्ट समझेंगे अबडक्शन का और किडनैपिंग का। किडनैपिंग का मतलब तो आपको पता ही होगा, बट अबडक्शन का मतलब बहुत कम लोगों को पता होता है, तो आज इसको क्लियर करने वाले हैं। आज हम रेफर करेंगे सेक्शन 359 ऑफ द IPC विच प्रोवाइड फॉर द कॉन्सेप्ट ऑफ किडनैपिंग एंड अबडक्शन। और मैंने IPC की प्लेलिस्ट भी बना रखी है, आप वो भी जाके देख सकते हो, लिंक वुड बी इन द डिस्क्रिप्शन बिलो। सो एज पर सेक्शन 359 ऑफ द IPC, किडनैपिंग इज ऑफ टू टाइप्स, किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया एंड किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्डियन। 360 इज किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया, 361 इज किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्डियन। ये दो तरह की किडनैपिंग होती हैं, इन्हीं को हम समझेंगे। सबसे पहली किडनैपिंग को समझते हैं, किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया। अब इसका स्टैट्यूटरी टेक्स्ट देखते हैं, तो वहां पे स्टैट्यूटरी टेक्स्ट देखोगे आपके बैरक साइड में आ रही है, हूएवर कन्वेज एनी पर्सन बियॉन्ड द लिमिट ऑफ इंडिया दैट इज किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया। तो कन्वे का यहां मतलब समझो, कन्वे मतलब कैरिंग। अब कैरी करते हो किसी को किस मेथड से, बाय फ्रॉड या बाय फोर्स। सो ये दो मेथड इंप्लॉयड हो रहे हैं, इनसे आप किसी को लेके जा रहे हो आउटसाइड द टेरिटरी ऑफ इंडिया, इंडिया के बाहर, दैट इज किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया। इंडिया के बाहर नेपाल, बांग्लादेश, US, UK, इंडिया के टेरिटोरियल लिमिट्स के बाहर अगर आप किसी भी आदमी को, एनी पर्सन, चाहे मेजर हो चाहे माइनर हो, कोई 60 साल का आदमी हो या 5 साल का आदमी हो, अगर आप उसे बाहर लेके जाओगे इंडिया की टेरिटरी की लिमिट्स के बाहर, उसकी कंसेंट के बिना अगर वो मेजर है, और उसकी लॉफुल गार्डियन की कंसेंट के बिना अगर वो मेजर नहीं है, अगर आप ऐसा करते हो, दैट अमाउंट्स टू द ऑफेंस ऑफ किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया। जब हम किडनैपिंग और अबडक्शन को समझते हैं, तो यहां पे हमें ये समझने की जरूरत है कि मेजॉरिटी जो यहां पे शब्द है, ये थोड़ा सा डिफरेंट है। मेजॉरिटी मेल और फीमेल के लिए डिफरेंट है। सो अगर कोई मेल है जो कि 16 साल के, 16 से अबव है, इज कंसिडर्ड टू बी अ मेजर, और कोई फीमेल है जो 18 या 18 से ऊपर है, दैट इज कंसिडर्ड टू बी अ मेजर फीमेल। अब हम रेफर करने वाले हैं सेकेंड टाइप ऑफ किडनैपिंग को, किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्डियन, सेक्शन 361 ऑफ द IPC को। देखो आगे जाके हमें वीडियो में किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्डियनशिप और अबडक्शन का डिफरेंस समझना है। इन दोनों में से कोई एक ऑफेंस लगेगा जब किडनैप पर्सन को रखा गया विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। सो इन दोनों में से तब वो कोई ऑफेंस एक एप्लीकेबल होगा। अगर कोई बंदा मेजर हो या माइनर हो, उसे इंडिया के बाहर ले जाया गया है, तब किडनैपिंग को कहा जाएगा किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया। अब हम देखते हैं स्टैट्यूटरी टेक्स्ट ऑफ सेक्शन 361 ऑफ द IPC को। Whoever takes or entices, takes मतलब फ्रॉड से या फोर्स से, entices का मतलब यहां पे क्या है, entices का मतलब है allurement देना, कोई temptation देना, लालच देना। enticement हर केस में अलग हो सकती है, जैसे I'll give you work in Bollywood is also an enticement, मैं आपको shelter दूंगा, ये भी enticement है, हम शादी कर लेते हैं, ये भी enticement है। सेक्शन 361 ऑफ द IPC तीन कैटेगरी ऑफ पर्सन पे एप्लीकेबल होता है। सबसे पहले कोई मेल जो कि 16 साल से नीचे, अंडर 16 इयर्स, कोई फीमेल जो कि 18 इयर्स के अंडर है, या अनसाउंड पर्सन जो कि 5 साल का भी हो सकता है, 50 साल का भी हो सकता है, ऑफ एनी एज। इन तीन कैटेगरी ऑफ पीपल पे ही 361 एप्लीकेबल होगा। अगर कोई मेल है जिसकी एज है 16 एंड अबव, और कोई फीमेल है जिसकी एज है 18 एंड अबव, अगर उनको कोई फोर्स से ले जाता है, तो दैट वुड कॉन्स्टिट्यूट द ऑफेंस ऑफ अबडक्शन। अब थर्ड एसेंशियल एलिमेंट को समझते हैं, आउट ऑफ द कीपिंग ऑफ लॉफुल गार्डियन। अब देखो इस ऑफेंस को अप्लाई होने के लिए आप किसी माइनर को, ठीक है, आउट ऑफ द कीपिंग लेके चले जाते हो ऑफ द लॉफुल गार्डियन। ठीक है, आउट ऑफ द कीपिंग ऑफ लॉफुल गार्डियन को हम यहां समझने वाले हैं। आउट ऑफ द कीपिंग का यहां मतलब है चार्ज या कंट्रोल के बाहर, मतलब वो माइनर उस गार्डियन के कंट्रोल में नहीं है। अब लॉफुल गार्डियन कौन होता है? अ लॉफुल गार्डियन इज अ पर्सन हु इज इंटरेस्टेड विद केयर एंड कस्टडी ऑफ द माइनर। देखो आपके पेरेंट्स आपके लॉफुल गार्डियन है अगर आप माइनर हो तो। ये इंटरेस्टमेंट टेम्पररी भी हो सकती है, जैसे स्कूल मैनेजमेंट के पास अगर आप स्कूल जा रहे हो तो, या आपके किसी रिलेटिव के पास
अगर आप स्कूल गए और वहां से आप किडनैप्ड हो जाते हो तो क्या वो किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्डियन नहीं होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि टेम्परेरी इंटरेस्टमेंट इज विद द स्कूल मैनेजमेंट इन दैट टाइम. फोर्थ एसेंशियल है, विदाउट द कंसेंट ऑफ द लॉफुल गार्डियन. सो कंसेंट होना बहुत जरूरी है. अगर विदाउट कंसेंट है तभी ऑफेंस बनेगा. अगर कंसेंट है तो दैट कंडोन्स द ऑफेंस, फिर कोई ऑफेंस लग ही नहीं सकता. जैसे अगर आपको याद हो आप स्कूल ट्रिप्स पे जाते थे, तो स्कूल ट्रिप पे अगर किसी माइनर को जाना होता तो साइन होते थे गार्डियन के, याद है आपको? आपको परमिशन लेनी होती थी अगर आपको ट्रिप पे जाना है तो. तो टेक्निकली अगर स्कूल आपको बिना परमिशन ऑफ द गार्डियन लेके चला जाता है ट्रिप पर, दैट आल्सो कॉन्स्टिट्यूट द ऑफेंस ऑफ किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्डियन. सो द कंसेंट ऑफ द माइनर इज इमटेरियल, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है. अब हम समझेंगे इंटाइसिंग को थ्रू लैंडमार्क जजमेंट से. पहली लैंडमार्क जजमेंट है एस वरदराजन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास 1965 सुप्रीम कोर्ट. अब इस केस के फैक्ट जानते हैं, कहानी जानते हैं. सो एक लड़की होती है जो अपने रिलेटिव के घर रह रही होती है, ठीक है. अब वो एक लड़के को फोन करती है और कहती है हम इस जगह इस दिन इस प्लेस पर मिलेंगे. अब वो लड़का वहां पे पहुंच जाता है और दोनों मिलते हैं. जब वो दोनों मिलते हैं, लड़की जो है वो लड़के से कहती है कि चलो हम शादी कर लेते हैं और सब रजिस्ट्रार के ऑफिस में मिलते हैं और अपनी मैरिज को रजिस्टर करा लेते हैं. अब वो दोनों जाते हैं, अपनी मैरिज रजिस्टर करवा लेते हैं. शादी के 10-12 दिन बाद वो इकट्ठे रहते हैं और पुलिस को पता लग जाता है वो कहाँ रह रहे होते हैं, और पुलिस जो है फ्रेम कर देती है द बॉय फॉर द ऑफेंस ऑफ किडनैपिंग. तो लड़के पे किडनैपिंग का चार्ज लग जाता है. तो अब क्वेश्चन ये आता है, क्या लड़का लाइबल था? वेदर द बॉय वॉज लाइबल फॉर द ऑफेंस ऑफ किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्डियन. 361 के ऑफेंस को प्रूफ करने के लिए यहाँ थ्री एसेंशियल एलिमेंट्स को प्रूफ करना है. सबसे पहले किसी ने टेक किया हो, इंटाइस किया हो किसी माइनर को. दूसरा, आउट ऑफ द कीपिंग ऑफ लॉफुल गार्डियन. तीसरा, विदाउट द कंसेंट ऑफ लॉफुल गार्डियन. देखो कंसेंट तो थी नहीं लॉफुल गार्डियन की, उस रिलेटिव की, और वो आउट ऑफ द कीपिंग तो आई है लड़की, आउट ऑफ द कंट्रोल तो आई गई. ये दो एलिमेंट्स तो प्रूव होते हैं, बट पहले एलिमेंट को यहां हमें क्वेश्चन करना है, क्या बॉय ने उसको फोर्सफुली बुलाया था मिलने के लिए? नहीं. तो टेक जो है वो भी खत्म यहां से. अब है इंटाइसिस, क्या इंटाइसमेंट के लिए लड़के ने? लड़की तो खुद आई है आउट ऑफ द कीपिंग से, बट क्या इंटाइसमेंट थी लड़के की तरफ से? सो देयर वाज नो इंटाइसमेंट ऑन द पार्ट ऑफ द बॉय, देयरफॉर ही वाज नॉट हेल्ड लाइबल फॉर द ऑफेंस ऑफ किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्डियन. दूसरा लैंडमार्क केस है ठकोरी लाल डी वदगामा वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात 1973 सुप्रीम कोर्ट. सो इन दिस केस जो लड़की है माइनर, दैट वेंट विद द अक्यूज वॉलेंटरली, बट बहुत सारे एविडेंसेस थे इस केस में बताने के लिए कि देयर वर इंटाइसमेंट एल्योरमेंट ऑन द पार्ट ऑफ द बॉय, देयरफॉर ही वाज हेल्ड लायबल फॉर द ऑफेंस ऑफ किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्डियनशिप. अब चाहे किडनैपिंग लॉफुल गार्डियनशिप से हो चाहे इंडिया से हो, दैट इज पनिशेबल अंडर सेक्शन 363 ऑफ द आईपीसी विद एन इंप्रिजनमेंट ऑफ 7 years. मतलब 7 साल तक की सजा हो सकती है किडनैपिंग के चार्ज में. अब समझने वाले हैं ऑफेंस ऑफ अबडक्शन को. 362 ऑफ द आईपीसी डिफाइंस अबडक्शन. तो स्टैट्यूट टेक्स्ट को पढ़ते हैं, हूएवर बाय फोर्स कंपेल्स और बाय डिसीटफुल मींस इंड्यूसेस अ पर्सन टू गो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इज नोन एज अबडक्शन. अगर आपका दोस्त आपको फोर्सफुली पिक्चर हॉल ले जाता है तो वो भी अबडक्शन का ऑफेंस है. ही इज कंपेलिंग यू बाय फोर्स टू गो टू अ सिनेमा हॉल, दैट इज ऑल्सो अबडक्शन. या डिसीटफुल मीन्स से आपको कोई एक प्लेस से दूसरी जगह लेके जाता है, वो भी अबडक्शन है. तो जैसे आपके दोस्त ने आपको बुलाया, यार मेरे पास क्वेश्चन पेपर आ गया, मुझे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल गया, मेरे पास आ जा जल्दी. अब वो आपके पास आता है और वहां आप उसे फिल्म दिखा रहे हो या उसका टाइम वेस्ट करो, दैट इज ऑल्सो अबडक्शन. But I would like to tell you something important. Abduction is not punishable unless accompanied by a criminal intent. मतलब abduction का purpose जो है वो illegal होना चाहिए, तभी वो punishable है. Abduction alone is not punishable.
अब इसको एग्जांपल समझो, जैसे 364 ऑफ द आईपीसी, किडनैपिंग और अबडक्शन इन ऑर्डर टू मर्डर, मतलब अबडक्शन का पर्पस क्या है, मर्डर करना। अगर आपको किसी जगह पे बुलाया जा रहा है, फोर्स से लेके जा रहे हैं, तो आपको मारने के लिए लेके जा रहे हैं, दैट इज पनिशेबल फॉर अ रिग्रेस इंप्रिजनमेंट ऑफ 10 इयर्स और लाइफ इंप्रिजनमेंट। ऐसे ही दूसरा एग्जाम्पल 365 ऑफ द आईपीसी, किडनैपिंग एंड अबडक्शन इन ऑर्डर टू रॉन्गफुली कन्फाइन अ पर्सन, सो दैट इज पनिशेबल विद 7 ईयर्स ऑफ इम्प्रिजमेंट। अब हम समझ लेना डिफरेंस बिटवीन अबडक्शन एंड किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्डियनशिप। इनमें से कोई एक ऑफेंस लगेगा अगर किडनैप पर्सन को इंडिया में रखा गया है तो। डिफरेंस नंबर वन, किसके अगेंस्ट कमिट होता है। देखो, किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्डियनशिप जो है वो ऑफेंस कमिट होता है अगेंस्ट अ मेल हु इज अंडर 16, फीमेल अंडर 18 और अनसाउंड पर्सन के अगेंस्ट। अबडक्शन इज कमिटेड अगेंस्ट अ मेजर, तो मेजर यहां पे कौन है, 16 अबव अगर मेल हो और 18 एंड अबव अगर फीमेल हो। डिफरेंस नंबर टू, कंसेंट। इन द ऑफेंस ऑफ किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्डियनशिप द कंसेंट ऑफ द माइनर इज इमटीरियल, कंसेंट से कुछ फर्क ही नहीं पड़ता लाइबिलिटी पे। वेयर एज फॉर द ऑफेंस ऑफ अबडक्शन द कंसेंट ऑफ द पर्सन हु इज अबडक्टेड इज वेरी मटीरियल, अगर उन्होंने कंसेंट दे रखा है जिनको आप अबडक्ट कर रहे हो तो वो ऑफेंस बनता ही नहीं फिर। डिफरेंस नंबर थ्री, किडनैपिंग इज अ सब्सटेंटिव ऑफेंस, देयरफॉर इज पनिशेबल अंडर सेक्शन 363 ऑफ द आईपीसी, वेयर एज अबडक्शन अलोन इज नॉट पनिशेबल अनलेस अकंपनीड बाय अदर क्रिमिनल इंटेंट, जैसे 364 किडनैपिंग एंड अबडक्शन इन ऑर्डर टू मर्डर, 365 किडनैपिंग अबडक्शन इन ऑर्डर टू रॉन्गफुली कन्फाइन अ पर्सन, मतलब अबडक्शन का कुछ इलीगल पर्पस होना चाहिए तभी वो पनिशेबल है। अब समझने वाले प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ द ऑफेंस ऑफ किडनैपिंग को। देखो, दीज केसेज आर वेरी कॉमन वेयर द गर्ल एंड द बॉय इलोप टूगेदर एंड नॉर्मली द बॉय इज चार्ज विद द ऑफेंस ऑफ किडनैपिंग। नॉर्मली होता क्या है, जब लड़का लड़की इकट्ठे भाग जाते हैं तो लड़की के जो फादर हैं वो जाते हैं पुलिस थाने में और FIR लॉन्च कराते हैं और पुलिस जो है लड़के को इम्प्लीकेट कर देती है फॉर द ऑफेंस ऑफ किडनैपिंग के लिए। अब हम देखने वाले हैं क्या लड़के की लाइबिलिटी बनती है इस केस में कि नहीं। अब ये लाइबिलिटी लड़के की बनती है कि नहीं बनती है डिपेंड करता है दो चीजों पर, सबसे पहले एज ऑफ द गर्ल, सेकंड कंसेंट। सो चार सिचुएशन में इन फैक्टर्स को हम यूज करेंगे और आपको बताऊंगा लाइबिलिटी बॉय की बनती है कि नहीं। सिचुएशन नंबर वन, जहां पे जो लड़की है वो मेजर है, ठीक है, और उसकी कंसेंट भी है एलोपमेंट के लिए, तो क्या लाइबिलिटी बनती है, तो लड़के की लाइबिलिटी नहीं बनती है बिकॉज ऐसे केसेस में अबडक्शन का चार्ज जो है वो एप्लीकेबल होगा। और अगर आपने अबडक्शन अभी तक समझ लिया है तो अगर कंसेंट हो, इफ देयर इज अ कंसेंट ऑफ द पर्सन हु इज अबडक्टेड देन दैट ऑफेंस इज कंडोन, उस ऑफेंस को माना नहीं जाएगा। राइट टू मैरी एनीबडी ऑफ देयर चॉइस हैज बीन एक्नॉलेज्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट इन मेनी जजमेंट्स एज अ फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सिचुएशन नंबर टू, जहां पे गर्ल मेजर है, लड़की मेजर है, बट उसका कंसेंट नहीं है एलोपमेंट के लिए, तो उस केस में अबडक्शन का ऑफेंस एप्लीकेबल होता है। और पनिशमेंट देखने के लिए हमें यह देखना पड़ेगा किस इंटेंट के लिए अबडक्शन हुई है, उस अबडक्शन का पर्पस क्या था। मान लो कि अबडक्शन हुई है इन ऑर्डर टू कंपेल द गर्ल टू मैरी द बॉय, फिर वो पनिशेबल है फॉर 10 ईयर्स ऑफ इंप्रिजनमेंट। सिचुएशन नंबर थ्री, जहां पे लड़की जो है वो माइनर है और उसने कंसेंट नहीं दिया इस एलोपमेंट को, मतलब आपने फोर्सफुली लड़की को ले गए हो, माइनर लड़की को, तो उस केस में द बॉय इज लाइबल फॉर द ऑफेंस ऑफ किडनैपिंग अंडर 363 और इस किडनैपिंग को कहा जाएगा किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्डियनशिप और इसकी पनिशमेंट है 7 ईयर्स ऑफ इंप्रिजनमेंट। सिचुएशन नंबर फोर, द गर्ल हेयर इज माइनर एंड शी हैज गिवन कंसेंट टू सच एलोपमेंट। अब देखो, लड़की यहां पे माइनर है तो किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्डियनशिप का चार्ज अट्रैक्ट होता है, तो अगर उसको देखोगे
तो उसमें लड़के की लायबिलिटी तभी हो सकती है अगर लड़के ने इंटाइस किया हो लड़की को टू कम आउट ऑफ द लॉफुल कीपिंग ऑफ द लॉफुल गार्डियन, मतलब आउट ऑफ द कीपिंग से आने के लिए मजबूर किया हो, लॉफुल गार्डियंस को छोड़ने के लिए मजबूर किया हो कुछ लालच देके, जैसे मैं आपको बॉलीवुड में स्टार बना दूंगा, आ जाओ, आपको वहां शेल्टर दूंगा, आपको काम दूंगा, दीज आर ऑल इंटाइसमेंट। अगर इंटाइसमेंट है दैट मेक्स द गर्ल कम आउट ऑफ द लॉफुल कीपिंग ऑफ हर लॉफुल गार्डियन, देन द बॉय will be held liable for the offense of kidnapping from lawful guardianship, जिसकी punishment है 7 years of imprisonment. अगर कोई minor लड़की खुद ही out of the keeping से आ रही है, मतलब control से बाहर जा रही है lawful guardian के बगैर लड़के के entice किए, तो लड़का liable नहीं हो सकता। इससे अच्छी वीडियो किडनैपिंग और अबडक्शन के कॉन्सेप्ट पे मेरा ये मानना है कि यूट्यूब पे नहीं है। अगर आपको ऐसा लगता है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। थैंक यू एंड सी यू अगेन।